दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड की सैर पर, आपको ले चलते हैं अलग अलग ग्रहों और चांदों पर और आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है उस ग्रह से आसमान का नजारा। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। तो दोस्तों पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए इस घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। आइए अब चलते हैं ब्रह्मांड की ओर। मरकुरी। मरकुरी से आकाश दिन में भी काला दिखेगा क्योंकि वहाँ कोई भी एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण नहीं है। सूरज के पास होने के कारण वहाँ सूरज भी धरती से करीब 3 गुना बड़ा दिखेगा। सूरज धरती से पीले रंग का दिखता है पर मरकुरी से वो दिखेगा बिल्कुल सफेद। साथ ही साथ आपको अंतरिक्ष में तारे भी धरती से ज्यादा नजर आएंगे। वीनस। वीनस में वातावरण की इतनी मोटी परत होती है कि वहाँ दिन में भी सूरज नहीं दिखता और पूरा आकाश ऑरेंज रंग का दिखता है। रात बिल्कुल काली अंधेरी दिखती है और तारों का कोई नामो निशान ही नहीं रहता। चांद। चांद से भी आकाश पूरा काला दिखता है क्योंकि वहाँ भी कोई पर्यावरण यानी कि एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। वहाँ से सूरज तो उतने ही साइज का दिखता है पर सूरज होता है सफेद और धरती कई गुना बड़ी और नीले रंग की नजर आती है। धरती से चांद जितना बड़ा दिखता है, चांद से धरती उससे 4 गुना ज्यादा बड़ी दिखती है। मार्स। मार्स का आकाश दिन में पीला और ब्राउन रंग का दिखता है और शाम और सुबह को पीला और लाल। सूरज इस ग्रह से ज्यादातर नीले रंग का दिखता है। मार्स से सूरज 1.5 गुना छोटा दिखता है। साथ ही में आपको दिखेंगे मार्स के 2 छोटे चांद डेमियोस और फोबोस। जुपिटर। जुपिटर से आकाश हल्का सा नीला दिखता है और सूरज धरती के मुकाबले 5 गुना छोटा दिखाई पड़ता है। आकाश में उसके 4 चांद और उसके पास की छल्ले भी दिखने लगती हैं। सैटर्न। सैटर्न से सूरज 10 गुना छोटा दिखेगा और आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ेगा। सैटर्न के आकाश में सबसे अद्भुत चीज दिखेगी वो है उनके छल्ले। सैटर्न का चांद टाइटन। टाइटन से ना ही सूरज दिखेगा ना ही सैटर्न क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही घना है। आकाश आपको गाढ़े ऑरेंज कलर का दिखेगा और वहाँ आपको आकाश में हर तरफ इंद्रधनुष यानी कि रेनबो दिखेंगे क्योंकि वहाँ हर समय मीथेन की बारिश होती रहती है। यूरेनस और नेपच्यून। इन दोनों ही ग्रहों से आकाश आपको नीले रंग के अलग अलग शेड्स में दिखेगा। सूरज बहुत ही छोटा और धुंधला नजर आएगा। प्लूटो। प्लूटो से सूरज एक बड़े तारे जैसा दिखेगा और साथ ही दिखेगा उसका चांद चेरोन और वो भी हमारे चांद से 8 गुना बड़ा क्योंकि इसका चांद उसके काफी ज्यादा पास है। तो दोस्तों ये थी हमारे सौर मंडल की बात। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस जगह का आकाश देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी।